कलर्स टीवी पर आने वाले कॉमेडी शोज को भी ऑडियंस खूब पसंद करती है। तो आइए जानते हैं कलर्स टीवी के सभी कॉमेडी शोज की लिस्ट आज के इस वीडियो में। कलर्स टीवी पर आने वाला पहला कॉमेडी शो था बेलन वाली बहू। ये शो शून्य स्क्वायर प्रोडक्शंस का शो था। शुकी टोटल एपिसोड्स 126 थी। इसके अलावा शुमि क्रिस्टल डिसूजा लीड रोल रूपा की भूमिका में नजर आई थी। इसके अलावा शो में धीरज सेना और प्रजीत अजित्रा का भी रोल काफ़ी अहम था। शो को खूब पॉपुलैरिटी हासिल हुई थी। इस कॉमेडी शो से ही ऑडियंस खूब कनेक्ट हो गई थी। बात की जाए दूसरे शो की तो ये बाग बकूल भाग। इस शो की टोटल एपिसोड्स 100 हैं। ये शो एडिट 11 प्रोडक्शंस का शो था। इस शो में बकूल की डबल मैरिज की हमें इंटरेस्टिंग और कॉमेडी कहानी की दिखाई गई थी। शो में श्रुति रावत नजर आई थी बकूल की एज अ विलेज की पत्नी के रोल में, तो वहीं शो में जय सोनी नजर आए थे बकूल की भूमिका में, और वहीं मॉडर्न बीवी के तौर पर नजर आई थी हिबा नवाब। आपको बता दें इस शो को भी खूब पॉपुलैरिटी हासिल हुई थी। बात की जाए तीसरे शो की तो यह हमारी सास लीला। इस शो में अपर्णा मेहता नजर आई थी एज लीड रोल लीला की भूमिका में। इसके अलावा शो में अदिति साजवान का भी रोल, अपर्णा मेहता का किरदार जो कि लीला का था, वो इस तरह था कि वो अपने बच्चों के लिए ढूंढती है बिल्कुल परफेक्ट बहुएं। इसके अलावा लीला खूब अमीर औरत भी होती है। ये शो 30 मई 2011 को ऑन एयर किया गया था। इसके अलावा ये शो दिसंबर 30 2011 को ऑफ एयर कर दिया गया था। बात की जाए चौथे शो की तो ये है द लेट नाइट शो जितना रंगीन उतना संगीत, जिसमें कि सुमित रागनवान नजर आए थे एज अ होस्ट की भूमिका में। इस कॉमेडी शो को भी ऑडियंस ने खूब कनेक्ट कर पाई थी। बात की जाए पांचवें शो की तो ये है मिसेस पम्मी प्यारे लाल जी। इस शो की टोटल एपिसोड 72 थी। शो में गौरव गेरा और करण गुडवानी लीड रोल में नजर आए थे। शो में गौरव गेरा एक इंटरेस्टिंग और कॉमेडी कैरेक्टर में नजर आए थे। बात की जाए छठे शो की जो कि कॉमेडी शो कलर्स ने प्रोड्यूस किया था, यह नौटंकी द कॉमेडी थिएटर। तो ये कलर्स टीवी के सभी 6 कॉमेडी शोज की लिस्ट। आपको कलर्स टीवी का कौन सा कॉमेडी शो पसंद है हमें बताइए नीचे कॉमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।